दोस्तों, यदि आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले के लिए वेस्ट इंडीज के दिग्गजों ने कर दी है अपनी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को देखते हुए वेस्ट इंडीज के दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और अपने बयान में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार वेस्ट इंडीज के दिग्गजों ने भारत पाक मुकाबले को लेकर अपनी भविष्यवाणी करते हुए क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, और जहां आपको बता दें कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच ये महामुकाबला 23 अक्टूबर को होने वाला है और इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें जमकर तैयार हैं। और इस बीच भारतीय टीम ने 4 अभ्यास मुकाबले भी खेले, जहां भारतीय टीम को पहले अभ्यास मुकाबले में 13 रन से जीत मिल गई तो वहीं भारतीय टीम को दूसरे मुकाबले में 36 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब भारतीय टीम 2 अभ्यास मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से खेलेगा और अभ्यास मुकाबलों के बाद भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर अपना शानदार आगाज करेगा। जहां पर भारतीय टीम पिछली बार वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला इस बार जीत से लेना चाहेगी, तो वहीं इस मुकाबले को देखते हुए वेस्ट इंडीज के दिग्गजों ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए बयान दिया है। जी हां, आपको बता दें दोस्तों कि वेस्ट इंडीज के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान का अब की बार जो महामुकाबला होगा, इस महामुकाबले में भारतीय टीम बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर से हराने के लिए उतरेगी, क्योंकि दोनों ही टीम काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन भारत की टीम हमेशा से ही सबसे बड़ी जीत की प्रबल दावेदार मानी गई है और इसी सिलसिले में अब की बार फिर से पाकिस्तान की टीम पूरा बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, लेकिन जीत की हकदार भारत होगी। तो वहीं दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने कहा है कि भारत से पाकिस्तान का महामुकाबला एक बार फिर से रोमांचक पड़ाव पर आ गया है। अब जहां अब की बार पाकिस्तान की टीम काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की टीम पहले मुकाबले के अनुसार काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी, लेकिन भारत की टीम पहले भी मजबूत थी और आज भी उसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करते हुए काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। और ऐसे में पाकिस्तान की टीम को दिखा दिया जाएगा कि भारत पहले की तरह काफी ज्यादा मजबूत अभी भी दिखाई दे रही है, और ऐसे में भारत की टीम को हराना काफी ज्यादा मुश्किल कार्य पाकिस्तान के लिए होगा और इस मुकाबले में भारत की टीम पाकिस्तान को आराम से पटकनी दे देगी। तो वहीं रसेल ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले में भारत की टीम विजयी रहेगी, क्योंकि भारत की टीम के पास बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी ऑप्शन है और दोनों ही के शानदार संतुलन पर भारत की टीम पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रोमांचक जीत दर्ज कर सकती है और पाकिस्तान की टीम को एक बार फिर से दिखा दिया जाएगा कि पाकिस्तान की टीम भारत के सामने हमेशा खराब प्रदर्शन करने वाली टीम थी और रहेगी। और इसी बात से जिस तरह से भारत की टीम ने पहले पाकिस्तान को हराया था, उसी तरीके से इस बार भी पाकिस्तान को भारत आराम से हरा देगी और भारत की टीम की मजबूत दावेदारी को देख पाकिस्तान की पूरी तरीके से डर चुकी है। और ऐसे में इस मुकाबले में भारत पाकिस्तान को आराम से हराकर अपनी मजबूती पेश करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत पाक मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।